हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पेपर वन के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कौन सा कथन इसमें से हमें बताना है सही नहीं है? फिनोल अम्लीयल होता है, यस ये करेक्ट है। बेंजीन में सभी परमाणु एक ही समतल पर होते हैं, ये भी करेक्ट है। मेथिलेट स्प्रिट में केवल मेथेनॉल होता है, ये गलत है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, तनु घोलों में विलेय की कम मात्रा होती है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें सही कथन नहीं है वो देखना था, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, मलेरिया का संक्रमण संक्रामक चरण क्या होता है? युग्मक जनक, वलय चरण, वीजागुज या फिर मेरिया जॉट। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वीजागुज स्पोरो जो हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्सेल्स की संधि में एल्सेस लोरेन लौटा दिया, क्या लौटा दिया? दिल्ली को, ब्रिटेन को, फ्रांस को या फिर बेल्जियम को? सी राइट आंसर है, फ्रांस को लौटा दिया गया था। नेक्स्ट है, अशोक के धर्मादेशों का उद्दाचन पहले कहाँ किसने किया था? तो इस ये भी मैं आपको 20 डे सीरीज में करा चुकी हूँ, सबसे पहले किया था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? शुक्राणु बैंक, रुधिर बैंक, जर्मप्लाज्म बैंक, हर्बेरियम या फिर वनस्पति संग्रहालय? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, जर्मप्लाज्म बैंक। नेक्स्ट है, शैवाल प्रकार का सागर निक्षेप होता है, तो इसका राइट आंसर है बी, ये डायटम निपंक का निक्षेप होता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय से क्या मतलब है? मध्यकाल, वर्णिकल लवक, जीनधर या फिर श्वसनशूल? तो राइट आंसर है इसका बी, वर्ण की लवक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन के दर्शी दर्पण के किस प्रकार का दर्पण लगाया जाता है? तो आपको पता होगा, जब किसी वाहन के में दर्पण लगाया जाता है तो वो लगाया जाता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, एम वाणिज्य क्या है? एम वाणिज्य का मतलब होता है गतिशील वाणिज्य से, तो ऑप्शन सी बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत ऐसे ही हैं जैसे बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किए जाने वाला चेक? ये कहा था केटी शाह ने, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा किससे संबंधित हैं? तो ये सारे संबंधित होते हैं दो पादप परिवारों से, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आर्यों के अर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इस सिद्धांत का पक्ष लिया था बीजी तिलक ने, तो बी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, घरेलू बनाने के अंतर्गत पैदा हुए केवल खेती में ज्ञात पादप को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है कृषिज, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है, कब विचार किया जा सकता है? तो इस पर विचार किया जा सकता है जब किसी भी राज्य सभा में 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित किया जाए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट से प्राप्त पायरोगिलियन अम्ल होता है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, 10% एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मुख्यतः निर्माण करता है भारी पानी, पेट्रोकेमिकल, उर्वरक या फिर चर्म पदार्थ? तो राइट आंसर है बी, पेट्रोकेमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आयरन और स्टील संयंत्र है, विशाखापट्टनम में, बोकारो, बर्णपुर या फिर विजयनगर? तो ये स्थित है हमारा बोकारो में, तो बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विटामिन से रिलेटेड है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम होता है राइबो फ्लेविन, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है, उसका श्वसन अंग होता है वातक यानी ट्रेकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत किसका मार्गदर्शक सिद्धांत है? तो ये मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कम लागत के मकान एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण होते हैं योग्यता आवश्यकताओं के। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तोहरा पवित्र ग्रंथ है किस चीज का? तो ये पवित्र ग्रंथ होता है जुडाइज्म का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यता पाया जाता है? तो सामान्यता पाया जाता है इसमें भंगुरता का गुण। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखने वाले तेलों में काफी मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसमें सबसे ज्यादा असंतृप्त वसा अम्लों की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सामाजिक स्वीकृति का आनंद उठाने के लिए उपभोग कहलाता है। तो उपभोग इसमें कहलाता है सुस्पष्ट उपभोग। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पत्तों के लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? तो हम इसकी बात करें तो ये होता है कैरोटेनॉइड के कारण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में एटीएम प्रवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो वो पहला बैंक था सिटी बैंक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस गुण का किरण पुंज है? तो इसका राइट आंसर है ए, बेतरतीब। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य ने जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? तो ये सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की है नागालैंड ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न अर्थशास्त्रियों में से आप आंशिक विश्लेषण का मास्टर किसे मानते हैं? तो अल्फ्रेड मार्शल को आंशिक विश्लेषण का मास्टर कहा जाता है। तो बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विनिर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है कि किन जातियों को अनुसूचित जाति माना जाएगा? तो ये अधिकार प्राप्त होता है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आयुक्त को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय भालुओं में किसके लिए उपचार होता है? टाइप सेकंड का मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस, वक्ष कैंसर या वृक्क की खराबी? तो इसका राइट आंसर है ए, टाइप सेकंड का मधुमेह। नेक्स्ट है, प्रकाश के किस या किन रंगों का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? सबसे ज्यादा वेग होता है नीला, हरा और लाल, इन तीनों में ही। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जल वैद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का चरम स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का चरम स्रोत होता है जल की स्थिति ऊर्जा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो सर्वोत्तम ईंधन होता है हाइड्रोजन। तो एक यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अन्य देशों के साथ दोहरा कर परिहार समझौते यानी DTAA किसको बढ़ाने के लिए कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ए, द्विपक्षीय व्यापार के लिए। नेक्स्ट है, केरल उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? तो ये एर्नाकुलम में स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुसफुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है? तो वो रोग है वात स्फीति। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वो है पश्चिमी बंगाल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रतिभा पलायन का क्या कारण है? तो इसका कारण है रोजगार की निरंतर कमी होती जा रही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो मानव विकास सूचकांक की बात करें तो ये बनाया था UNDP ने। नेक्स्ट है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो वो है हमारा लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह कौन सा है? तो इनका गद्य संग्रह है संहिताएं। नेक्स्ट है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इनके अध्ययन को कहा जाता है जनांकिकी। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें युग्म दे रखा है, तो सही युग्म हमें बताना है कौन सा है। दूधिया चूना, सोडियम सल्फेट, सज्जी यानी कि ग्लोबर सॉल्ट, ये कैल्शियम सल्फेट, सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, जिप्सम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मलिहा लोधी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।